हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी टी यू पी स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों आपको पता होगा जो हमारी मैथ की क्लासेस चल रही थी लघु गणक लॉगरिथम से जो हमारी एक क्लासेस हो चुकी हैं, आज दोस्त आपका सेकेंड क्लास है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें दोस्त आपको टॉप 5 क्वेश्चन बताएंगे जो कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और दोस्त आपको बता दें 5 क्वेश्चन 5 अलग अलग कंटेंट के आपके क्वेश्चन बताएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि है। तो चलते हैं क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और जो भी फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही हमारे सेकंड चैनल डियर अंश को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसका लिंक दोस्त मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके हमारे सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल पर दोस्त आपको अगर आपने IIT एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या दोस्त BHU एंट्रेंस एग्जाम या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस चैनल पर दोस्त आपको उस से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलते हैं क्लासेस स्टार्ट करते हैं। लघु गणक लॉगरिथम से इम्पोर्टेंट क्लास, यहाँ पे दोस्त आपका आज का पहला जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। लॉग बेस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का लॉग 4 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2 हो तो आपका वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, इसका आपका मान बताना है। ये क्वेश्चन दोस्त पॉलिटेक्निक के 2006 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। जब भी दोस्त आपको ऐसे क्वेश्चन आए, मैंने आपको पहले ही बताया था आप फार्मूला के हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पे दोस्त मैं आपको एक फार्मूला बताऊँगा। यहाँ पे आपका लॉग ए माइनस लॉग बी जो होता है लॉग ए अपान बी, ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्त आप लॉग ए अपान बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है लॉग ए माइनस लॉग बी दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे लॉग ए अपान बी के फॉर्म में लिख देंगे। चलते हैं लिखते हैं दोस्त। लेकिन आप एक स्टूडेंट होते हैं वो गड़बड़ी कर देते हैं। गड़बड़ी कहाँ करते हैं दोस्त, ये आपका जो बेस यहाँ पे दिख रहा है, बेस आपका क्या है 4 है, अगर बेस चेंज होगा तो ये कभी आपका ए लॉग ए अपान बी की फार्मूला इसमें नहीं लगेगी। लेकिन दोस्त इसमें आपको बेस आपका सेम है तो ये आपका डायरेक्ट लॉग ए अपान बी का फार्मूला लग जाएगा। यहाँ आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपान में एक्स प्लस 2 इक्वल में कितना है दोस्त 2 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे ऊपर से एक्स कॉमन करेंगे, ऊपर से यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 और नीचे आपका एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा दोस्त, ऊपर आपका बचेगा डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x बचेगा और ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आप क्या है बेस आपका 4 है, जैसे ही लॉग को उधर भेजेंगे दोस्त तो ये आपका क्या हो जाएगा ये 4 पे पावर 2 हो जाएगा, जो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी वो 4 टू पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो x की वैल्यू हो जाएगी 4 का वर्ग करेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो हमारी 16 आ गई। आशा करते हैं दोस्त क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जय हिंद करके आप हमें जरूर बताइएगा। इसका दोस्त ऑप्शन में देखते हैं सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू 16 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन दोस्त। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7th ए बी, तो लॉग ए प्लस बी अपान 3 का मान ज्ञात करना है। जब भी दोस्त आपको ऐसे क्वेश्चन आए इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या करेंगे सबसे पहले मैं इसको लूँगा यहाँ पे, ठीक है, क्या करूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7th ए बी। अब क्या करेंगे इसका मैं वर्ग बनाऊँगा, कैसे बनाऊँगा दोस्त, यहाँ पे आप देखिएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab ये आपका इतना हो गया इक्वल टू ये आपका 7ab हो जाएगा, और इसमें आपका प्लस 2ab जोड़ दिए और 2ab यहाँ पे घटा दिए, ठीक है, इसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 2ab आपका इधर जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका फिर से वही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7ab। अब क्या करना है, ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका दोस्त, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है, और ये आपका 7th और 2 कितना हो गया 9ab, ठीक है 9ab। अब यहाँ पे वर्ग हटाएंगे दोस्तों जी क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3 अंडर रूट ab, ठीक है। आशा करते हैं दोस्त यहाँ तक समझ में आ गया है। अब आपको करना क्या है, इस 3 को नीचे करना है, कैसे दोस्त, यहाँ पे a प्लस बी अपान में 3 कर देंगे इक्वल टू अंडर रूट ab।
अब दोस्त यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारा जो है log a प्लस बी अपान थ्री, इसी का मान पूछ रहा था। अर्थात दोस्त a प्लस बी अपान थ्री यहाँ पे मेरा आ चुका है। अब करना क्या है, दोनों पक्षों में log ले लेना है। log कैसे लेंगे दोस्त, यहाँ पे log देखिएगा, log हो जाएगा log a प्लस बी अपान में थ्री इक्वल टू log अंडर रूट में ए बी, ठीक है, इतना इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे दोस्त, इसके बाद क्या करेंगे, ये अंडर रूट को हटा देंगे यहाँ से। कैसे हटाएंगे दोस्त, यहाँ पे देखिएगा log a प्लस बी अपान में थ्री हो जाएगा। ये करेंगे दोस्त तो ए log a b पे पावर एक बट्टे दो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये आपका एक वन अपान टू आगे आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसी की आपकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। आपको पता होगा जो हमारी log ए बी की जो हमारी वैल्यू होती है, तो ये क्या होती है log a प्लस log b। दोस्त आपको लॉगरिथम से कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे, बेसिक फार्मूले, जो कि log ए बी या log a अपान बी की वैल्यू क्या होगी। तो log ए बी की वैल्यू होती है log a प्लस log b, और log a अपान बी की जो वैल्यू होती है log a माइनस log b। तो कुछ बेसिक फार्मूला हैं जो हमारे लॉगरिथम से हैं, तो उन्हें आपको याद रखना पड़ेगा लघुगणक के, आप बहुत ही आसानी से सवाल कर जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, और बहुत ही इजी तरीके से कम समय में आप कर जाएंगे अगर आपको फार्मूले की जानकारी होगी। तो यहाँ पे आपको ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। इसके बाद आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे आपको यहाँ तक बता दिया था, कहाँ तक दोस्त, यहाँ पे मैंने आपको बताया था log a प्लस बी अपान में थ्री इक्वल टू log ए बी पे पावर वन अपान टू, यहाँ तक हो गया था दोस्त। अब नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, अब इसको लेना है यहाँ पे, इसकी तो वैल्यू ज्ञात करनी थी इसकी, इसको हम ऐसे ही रख देंगे। इसको हल करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा वन अपान टू ये आपका आगे हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा log ए बी है, यहाँ पे देखिएगा दोस्त log ए बी है, तो log ए प्लस log बी हो जाएगा, ठीक है, log ए प्लस log बी, इसको आपका ब्रैकेट हो जाएगा, यही दोस्त आपका आंसर हो जाएगा वन अपान टू log ए प्लस log बी। दोस्त ऑप्शन में देखते हैं, बी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाफ log a प्लस log b इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्त क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। दोस्त आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास शेयर करिएगा, जिससे दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुँचे और वे भी दोस्त एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर रहे हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दोस्त देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 12ab, तो a प्लस 2b का मान पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्त पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें दोस्त आपको करना कुछ नहीं है, बस क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे a प्लस बी क्या कह रहा है, log a प्लस 2b की हमें वो ज्ञात करना है वैल्यू। अब दोस्त इसी को हम ले लेते हैं डायरेक्ट यहीं पे, और इसी की हम वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ से देखते हैं दोस्त, ये हम log a प्लस 2b यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसको मैंने क्या लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे हम हाफ log a प्लस 2b का होल स्क्वायर, इसको ये लिख सकते हैं दोस्त, ये जब ऊपर आएगा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको आप इतना लिख सकते हैं। इसके बाद आप करेंगे क्या, यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपका क्या हो गया, हाफ log a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, a होल स्क्वायर को खोल दीजिए। कैसे खोलेंगे दोस्त, यहाँ पे देखिएगा आप, हाफ हो जाएगा, ये आपका log हो जाएगा, ये आप देखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका 4ab हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब दोस्त यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर की हमें वैल्यू दी हुई है, कितना 12ab। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, कैसे दोस्त, यहाँ पे देखिएगा, हाफ log 12ab प्लस 4ab, ठीक है। आशा करते हैं दोस्त क्लासेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो एक प्यारा सा कमेंट जय हिंद करके आप हमें जरूर बताइएगा। यहाँ पे आपको देखिए a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दी है 12ab। अब 12ab हो गया और 4ab कितना हो गया, 16ab, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम, हाफ हो जाएगा, ये आपका log हो गया, ये आपका 16ab, तो 16 को क्या लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे आप 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, और ये आपका ab वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे, कैसे करेंगे दोस्त, इसको हम खोल देंगे, ये आपका हाफ वैसा ही रहेगा, और ये आपका जो 2 पे पावर 4 था वो क्या हो जाएगा, 4 log 2 हो जाएगा, और log a इंटू log b का आपको फार्मूला बताए हैं, तो log a प्लस log b हो जाएगा, ये आपका log a हो गया, और ये आपका log
बी हो गया। ये क्वेश्चन आपका आंसर इतना आ गया। आशा करते हैं दोस्त क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो दोस्त इस टाइप से आपको क्वेश्चन को हल करना है और बहुत ही आसानी से, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तरीके से आप हल कर सकते हैं इसका। दोस्त आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन में देखेंगे तो इसका आपका राइट आंसर जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, 1/2 log a प्लस log b प्लस 4 log 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है log base 2a इक्वल टू 4 माइनस log base 2 4, तो a का मान ज्ञात करिए। इसमें दोस्त आप दो तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका क्या है, यहाँ पे आप क्या है log a इंटू log, इसको आप माइनस है इसको आप इधर भेज दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे प्लस में हो जाएगा तो log a इंटू b की वैल्यू लगा देंगे, log a प्लस b log ए बी, ठीक है log ए बी कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और डायरेक्ट आप करेंगे तो a को इधर भेजेंगे तो 2 का स्क्वायरिंग हो जाएगा और 4 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्त आपको एक तरीका और बता रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा आप, ये आपका क्या है log 2a इक्वल टू 4 माइनस का log 2 पे पावर 4। यहाँ पे आप देखिएगा ये जो आप log 2 पे पावर 4 की जो हमारी वैल्यू यहाँ पे होगी वो हमारी क्या होगी 2 होगी। यहाँ पे आप देखिएगा a 4 माइनस log 2 पे पावर 4 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी 2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा दोस्त, यहाँ पे log 2a इक्वल टू 2, ठीक है। अब यह क्या है, ये आपको a वाला जो आपका log 2 है इसको आप इधर भेजेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्क्वायरिंग में हो जाएगा यहाँ जाके, तो ये a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 हो जाएगा, और a की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो हमारी 4 आ जाएगी। तो a का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा 4 आ जाएगा। b दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में 4 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्त क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पे बोल रहा है यदि a पे पावर x इंटू c पे पावर माइनस 2x इक्वल टू b पे पावर 3x प्लस 1, तो x का मान होगा। ये क्वेश्चन दोस्त पॉलिटेक्निक के 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, और दोस्त इस टाइप के आपके क्वेश्चन इंट्रेंस एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। और दोस्त आपका लघुगणक जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि दोस्त इसमें आपको पूरे तीन क्वेश्चन आपको फिक्स रहता है, अर्थात दोस्त 12 नंबर के क्वेश्चन आपको लघुगणक से पूछे जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से अगर आपको थोड़ी भी जानकारी होगी तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, इसमें करना कुछ नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बोल रहा है एक्स का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले करना क्या है, दोनों पक्षों मुझे लॉग ले लेना है। लॉग कैसे लेंगे दोस्त, यहाँ पे लॉग लेंगे ए पे पावर एक्स इंटू सी पे पावर माइनस का 2x। ये आपका लॉग इधर साइड ले लिए, अब इधर भी लॉग ले लेंगे, लॉग हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बी पे पावर 3x प्लस 1, ठीक है इतना हो गया। अब आपको करना क्या है, लॉग a इंटू बी है तो इसको आपको ओपन करना है, ओपन करके डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा। जैसे ही ओपन करके हल करेंगे दोस्त और x की वैल्यू निकाल देंगे वही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करके देखते हैं दोस्त, यहाँ पे इसको ओपन किए तो क्या हो गया, लॉग a पे पावर x प्लस लॉग c पे पावर माइनस का 2x इक्वल टू लॉग b पे पावर 3x प्लस 1। अब क्या होगा दोस्त, ये आपका जो x है ये आगे आ जाएगा, ये माइनस 2x आगे आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा x हो जाएगा log a हो जाएगा प्लस ये आपका माइनस का 2x ऐसे ही लिख देंगे, और ये आपका log c हो जाएगा, log c, और ये 3x प्लस 1 आगे आ जाएगा, 3x प्लस 1 आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा log b हो जाएगा, कितना हो जाएगा log b हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपका जो होगा x log a माइनस 2x log c माइनस 3x log b इक्वल टू log log b। अब दोस्त इन सबको इधर भेजना है और मुझे x की वैल्यू ज्ञात करना है, तो x के जगह मैं डायरेक्ट इसको भेज दे रहा हूँ इधर, तो यहाँ पे देखिएगा आप जो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी log b अपान में log a माइनस 3 log b माइनस 2 log c। यही दोस्त आपकी जो है वो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी।
एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे लॉग बी, यहाँ पे आप देखिएगा एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारी लॉग बी अपान में लॉग ए माइनस लॉग थ्री लॉग बी माइनस टू लॉग सी। ऑप्शन में देखते हैं दोस्त, यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉग बी अपान लॉग ए माइनस टू लॉग सी माइनस का थ्री लॉग बी, इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्त क्लासेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। जब भी क्वेश्चन दोस्त इस टाइप से क्वेश्चन आए आपको लॉग लेना है और बहुत ही अच्छी तरीके से आप हल करेंगे। थोड़ा सा दोस्त प्लस माइनस का आप इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्त इसमें आपको प्लस माइनस थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। और दोस्त आप बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आपको फार्मूला पता होगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कम समय में हल कर सकते हैं। तो क्लासेस आपको कैसे लगे कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। और जो भी फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही हमारे सेकंड चैनल डियर अंश को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।